हनुमान चालीसा के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की व्याख्या का शुभारंभ आज हो रहा है। आज विक्रमी संवत 2077 अश्विन कृष्ण षष्ठी का दिन है। तदनुसार 8 सितंबर 2020। अब रामचरितमानस का शुभारंभ करने का भाव मेरे मन में तो था ही नहीं। YouTube पर किसी ने हनुमान चालीसा की मेरी पूरी सीरीज देखी, उसको भक्ति भाव से सुना और वो मातृशक्ति वडोदरा के गुजरात की हैं, फिर उन्होंने मेरे आध्यात्मिक उपन्यास जो भगवान राम पर आधारित हैं उन्हें मंगवाया और उनके माध्यम से माँ सरस्वती ने मुझे संदेश भिजवाया कि मैं रामचरितमानस की भी व्याख्या आरंभ करूं। तो वाक देवी माँ सरस्वती माँ शारदा की आज्ञा शिरोधार रहे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस का शुभारंभ वंदना से होता है। सबसे पहले वे श्री गणेश और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। हमारे यहाँ किसी भी कार्य का शुभारंभ करने से पहले गणेश जी की और माँ सरस्वती की वंदना की सांस्कृतिक परंपरा है और इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। मैं इसको एक बात से जोड़कर देखता हूँ अक्सर। आप सभी ने एक जलयान का नाम सुना होगा, टाइटैनिक। संसार का सबसे विशाल अपने समय का वो एक जलयान बना था और मैंने सुना है कि उसके विषय में कहा जाता था कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, कि उसके चलने से पहले उन लोगों में ऐसी मान्यता नहीं है कि वो किसी भी वस्तु का आरंभ करने से पहले विधिवत उसका पूजा पाठ करें, देवताओं की स्तुति करें। तो जो मैंने सुना था कि उसके कैप्टन ने ही अहंकार में भर के कहा था कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता और पहली ही यात्रा में उसने जल समाधि ले ली थी। यदि यही जलयान भारत से चला होता तो सबसे पहले घंटे घड़ियाल धूप दीप और देवी देवताओं और मंत्रों की अनेक स्तुतियों के साथ इसका शुभारंभ हुआ होता। देवताओं से साष्टांग प्रणाम करके ये विनती की गई होती, मनोती मांगी गई होती कि हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इतना बड़ा जलयान बना पाए, अब इस बेड़े को तू ही सदा पार लगाना। तो इसी के साथ मैं अब तुलसीदास जी जब इस महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ कर रहे हैं तो वो पहले सबसे पहले स्तुतियों पर उनका बल है। संस्कृत में है ये स्तुतियाँ और संस्कृत बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे, मैं जिस ढंग से आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये तो हिंदी ही है, और हिंदी क्या है, संस्कृत की जननी वो है, पुत्री है, संस्कृत इसकी जननी है। तो आइए देखिए। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायको। देखिए कितना सरल है। ये कहते हैं कि जब मैं रामचरितमानस लिख रहा हूँ तो मुझे अक्षर भी चाहिए और उसके अर्थ भी चाहिए, तो दोनों चीज़ें चाहिए। तो उनके लिए वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण और अर्थ इन दोनों के समूह जोड़ेंगे, रसानाम और उसमें रस भी होगा, छंदसाम अपि और छंद भी होंगे उसमें। अब रस आपने देखे होंगे ना, भक्ति रस, श्रृंगार रस इत्यादि, वीर रस, अनेक प्रकार के रस होते हैं। अब उन सभी रसों से संचरित ये रचना होगी। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायको, वाणी माने वाग देवी सरस्वती और विनायक माने गणेश जी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी और सरस्वती इनकी वंदना करता हूँ क्योंकि इन्हीं के कारण तो मैं अक्षरों को जोड़ पाऊँगा ठीक से। जोड़ने के बाद उनके अर्थ बनेंगे और उन अर्थ बनने के बाद उनमें से रस का सृजन होगा।
छंदों की रचना होगी, तो वो सब इन दोनों की ही कृपा से संभव है। तो सबसे पहले मैं इनकी ही वंदना करता हूँ। अब अगली वंदना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थीश्वरम। अब ये कहते हैं कि मैं श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ, भगवान शंकर की। किस रूप में? अप्रूप देखिए, श्रद्धा और विश्वास के जो स्वरूप हैं, श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। इन दोनों की ये वंदना कर रहे हैं, जो किसके रूप हैं? श्रद्धा और विश्वास के। और जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। ईश्वर तो सबके भीतर स्थित है, लेकिन देख कौन पाता है, सवाल है। तो देख कौन पाता है? जिन पर इनकी कृपा होती है, भवानी शंकर, पार्वती और शिव जिस पर कृपा करते हैं, उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रकाशित होकर उसे दिखने लगते हैं। ये हम वाक्य सदियों सदियों से सुनते आए हैं कि ईश्वर तो सबके कण कण में है। है भाई, कौन मना करता है? नहीं है। किसने मना किया? नहीं है। लेकिन सोया है सब में। असली सवाल है, जागा किस में है? है तो है, लेकिन जागा किस में है? और जाग गए तो उसे देख कौन पा रहा है? प्रश्न तो ये है। तो यहाँ तुलसीदास जी यही कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थीश्वरम। जो स्थित है ईश्वर भीतर, उसे देख कौन पा रहा है? तो मैं उस भीतर स्थित ईश्वर को देख पाऊँ, इसलिए भवानी शंकर, गौरी शंकर, इनसे मेरा निवेदन है, इनसे मेरी प्रार्थना है। वंदे बोध मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। अब कहते हैं, मैं ज्ञान रूपी भगवान शंकर जो हैं, जो गुरु रूप में है, नित्य ज्ञान रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु, और जो शंकर के समान है। अब यहाँ शंकर के समान किस प्रकार गुरु को बताया गया है, ये देखिए कितना सुंदर तुलसीदास जी ने यहाँ पर साम्य स्थापित किया है। वो कहते हैं कि जिसके आश्रित होने पर, यामाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः, दूज का चांद देखा ना भगवान शिव के मस्तक पर, टेढ़ा चांद होता है। अष्टावक्र भी टेढ़े थे, अष्टावक्र की सब कितनी हंसी उड़ाते थे क्योंकि टेढ़े हैं। तो जो टेढ़ी चीज़ होती है उसकी अक्सर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा जब भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, मस्तक पर सुशोभित कर दिया, उसका इतना मान बढ़ा कि उस टेढ़े चंद्रमा की भी लोग स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। टेढ़ा माने दोषयुक्त होना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो दोषयुक्त हूँ ही। कितनी बार वो आगे कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा दुष्ट कुटिल खल और कामी कौन हो सकता है। लेकिन उसको भी जब राम जी ने छू दिया तो वो भी स्वीकार्य हो गया। और जो कि चंद्रमा होने पर भी टेढ़ा, सब जगह वंदनीय होता है। तो मैं ऐसे गुरु जो भगवान शंकर के रूप में हैं, क्योंकि गुरु जिस पर कृपा कर दे वो व्यक्ति दोष युक्त होते हुए भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरम कपीश्वरो। अब अगले इसमें श्लोक में तुलसीदास जी भगवान वाल्मीकि और भगवान हनुमान की स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि सीता राम गुण ग्राम पुण्य, कि सीता राम और गुणों के जो पुण्य रूपी वनों के अंदर उनके साथ साथ घूमते रहे, साथ साथ विचरते रहे। विशुद्ध विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के जो साक्षात रूप हैं, ऐसे भगवान वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जो सदा उनके साथ रहे, वनों में उनका गुणगान करते रहे। तो सबसे पहले ये स्तुतियाँ चल रही हैं देवताओं को मनाने की, प्रसन्न करने की, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करिणीम सीताम नमो अहम राम वल्लभाम। भगवान राम की जो पत्नी है सीता, अब सीता जी की स्तुति, कि
जिनकी उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है, जो क्लेशों को हरने वाली हैं, जो तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को नमस्कार करता हूँ। अब सीता जी के आशीर्वाद से क्या होता है, क्लेशों का नाश होता है, सीता माता का आशीर्वाद प्राप्त हो तो संपूर्ण कल्याणों की प्राप्ति होती है और सब जगह आपकी पालना ढंग से होगी, आपके कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। तो ऐसी श्री राम की जो प्रिया हैं सीता माता, उनकी ये वंदना कर रहे हैं। अब आज इन श्लोकों के माध्यम से, ये पहला चरण है, इससे अगली की श्रृंखला में आगे के श्लोकों की व्याख्या होगी, पर अभी के में आपने ये देखा कि किस प्रकार से वो भावपूर्ण होकर तुलसीदास जी इन सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देने के लिए विनत भाव से श्रद्धावनत हैं, क्योंकि बिना देवम ने कार्य सिद्ध्यन्ति, देवताओं के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक मान्यता है कि हम ये मानते हैं कि कोई शक्ति है जो हम सबको चला रही है, तो उस शक्ति की वंदना सर्वप्रथम होनी ही चाहिए, तभी चित्त शुद्ध अंतःकरण से उस कार्य में प्रवृत्त होता है। नमामि रामम रघुवंशनाथम। बालकांड की स्तुति में छठा श्लोक है, यन माया वशवर्ती विश्वखिलम ब्रह्मादि देवासुर यत सत्तावद मृतशेव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः, यत पाद प्लवम एकम एव हि भवाम बोधिष्यति तीर्षावतम वंदे अहम तमशेष कारण परम रामाख्याम मिशम हरि। तुलसीदास जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि जो भगवान राम हैं वे श्री हरि के अवतार हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहा है उन्होंने। क्या कहते हैं कि रामाख्यम मिशम हरि, वे श्री हरि जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, यानी श्री राम श्री हरि के अवतार हैं। और क्या है कि ये चारों तरफ जितनी भी माया फैली हुई है ये श्री हरि की माया है। राम को तुलसीदास जी ने मायापति कहा है। वो कहते हैं जितनी भी चारों तरफ माया फैली है जिससे सभी भ्रमित हैं, किस चीज़ से भ्रमित हैं, जैसे कि रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है कि आपने कोई रस्सी देखी और रस्सी देखने के बाद आप यह मान लें उसे कि अरे ये तो सांप है। रज्जु सर्प भ्रम, जब आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं तो आपका सारा व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसा सांप को देखने के बाद होता है, वही भय आपको घेर लेता है, उसी तरह से आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और वैसे ही प्रतिक्रिया पूरा शरीर करना लगता है, पूरे हाव भाव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सर्प को देख लिया है, ऐसा आपका मन मानने लगता है। आपने सर्प को नहीं देखा होता है तो वो रस्सी। तो ये संसार जो है, जो वाक्य है एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, उसी वाक्य को यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह माया से वशीभूत सारा संसार जिसे सब जगत सत्य मानता है और रस्सी में सांप के भ्रम के समान ही वैसा व्यवहार करता है, और केवल मनुष्य ही नहीं सारे विश्व के देवता ब्रह्मादि असुर सुर सभी इससे भ्रमित हैं। आप ये मत समझिएगा केवल मनुष्य भ्रमित है, देवता भी, ब्रह्मादि अन्य देवता भी इससे भ्रमित हुए पड़े हैं। और ये माया किसकी है? ये श्री हरि की माया है। तो ऐसी जिनकी माया है और एकमात्र नौका श्री हरि के वे चरण ही हैं,
अब इससे बाहर कैसे निकला जाएगा, इस माया से? श्री हरि के चरणों से। तो भगवान के चरणों का जो आश्रय है वो उस नौका के समान है जो इस माया रूपी भव सागर से पार लगाएगा। अब इसीलिए श्री हरि के चरणों का गुणगान करने की बात की जाती है। आप देखिए कि अनेक भक्तों ने परमात्मा से केवल उनके चरणों का ध्यान ही मांगा। भक्त प्रहलाद, उनसे कितना कुछ कहा कि बोलो क्या चाहिए। प्रहलाद ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं, मुझे श्री हरि के चरणों का ध्यान चाहिए। नचिकेता से यमराज ने पूछा कि तुम सब कुछ ले लो किंतु ये मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा नहीं, मुझे वही चाहिए जिसमें श्री हरि के चरणों का ध्यान प्राप्त होता हो। और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनकी कथा तो आपने सुनी ही है। उसमें विभीषण ने भी क्या मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे, मुझे यही चाहिए। और वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे श्री हरि जिनके चरण ही इस भव सागर से पार करने वाली नौका के समान हैं, और वे जो संसार के सारे कार्य कारणों से परे हैं, सबसे परे हैं, ऐसे उन मायापति श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। वे श्री राम जो श्री हरि का अवतार हैं और उनको संसार इस समय श्री राम के नाम से जानता है। तो ये कितनी गूढ़ बात रहस्य की तुलसीदास जी ने अपने इस श्लोक की स्तुति में हमें बताई है। अगले श्लोक पर हम आते हैं। नाना पुराण निगमागमन सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्योपि स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाष निबंधम मति मंजुलम मातमेंदिति। अब इसकी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक की जो पंक्ति है, जो आपने अक्सर अनेक जगह सुनी होगी, स्वांताय सुखाय, अपने सुख के लिए। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो मैंने रामचरितमानस की जो मैं रचना कर रहा हूँ सुंदर सलील शब्दों में, आगे कह रहे हैं ऐसी में कि मंजुलम, सुंदर सलील शब्दों के अंदर जो मैं इस पूरे मानस की जो व्याख्या कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है? तो कहते कोई कारण नहीं, सिर्फ स्वांताय सुखाय, अपने आत्मिक सुख के लिए। किसी व्यवसायी के अधीन नहीं कर रहे थे वे, इससे उनको कोई यश प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ भक्ति भाव से और आत्म सुख के लिए वो इसको रच रहे थे। और उसके लिए क्या कहते हैं कि नाना पुराण निगमागमन, कि विभिन्न प्रकार के जो पुराण वेद इत्यादि ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया, उनका आश्रय लिया, और क्या किया, रामायण का आश्रय लिया, और कदाचित अन्य जो इतर कथाएं हैं श्री राम से संबंधित, लोक कथाएं हैं, अन्य कथाओं का भी आश्रय लिया। सभी प्रकार से सब कुछ जो भी कुछ भगवान श्री राम पर उपलब्ध था उस सभी को मैंने ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद मैंने उसको अपनी रचना रामचरितमानस में समाहित किया, और यह रचना मैं सिर्फ आत्मिक सुख के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे मूल समझने वाली बात है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों वो कार्य किए। अब जैसे ये इस समय रामचरितमानस की व्याख्या मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ पर यहीं से उदाहरण लेते हैं, क्यों कर रहा हूँ मैं? इससे ना मुझे कोई धन की प्राप्ति होनी, ना मुझे किसी और प्रकार का इससे कोई लाभ है, सांसारिक लाभ, कि जिस लोभ के वशीभूत होकर ये कर रहा हूँ। ये स्वांताय सुखाय, कि जैसे मैंने बताया कि एक मातृशक्ति का निवेदन आया था कि आप रामचरितमानस पर भी व्याख्या करें, तो उसे माँ सरस्वती का आदेश मानकर मैंने कार्य शुरू कर दिया। अब इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, किसी से पूछा जाए, एक चिकित्सक से, भाई तुम क्यों चिकित्सा कर रहे हो? आपने सुना होगा प्राचीन काल में गांव में बहुत सारे वैद्य होते थे, लोग जाते थे वैद्य के पास, नाड़ी दिखाते थे,
वैद्य उनको औषधि देता था, वो पूछते थे जी मैं आपको क्या दूं, तो वैद्य जी कहते थे कोई कोई पैसा नहीं चाहिए, वो फीस ही नहीं मांगते थे, निशुल्क चिकित्सा करते थे। तो गांव के लोग क्या करते थे, जो श्रद्धा होती थी वो दे जाते थे। तो उनका उद्देश्य क्या था, वो जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, स्वांताय सुखाय के लिए, कि संसार निरोगी हो, ईश्वर ने उनको एक विद्या दी है चिकित्सा की, वो उस विद्या से जन कल्याण कर रहे हैं, इतना ही उद्देश्य था। अब किसी अन्य चिकित्सक के पास चले जाओ, मैंने अनेक प्रसंग सुने हैं कि लोग कहते हैं उस चिकित्सक ने कहा मेरी तो 5,000 रुपये एक विजिट की फीस है, अगर आप उसे 5,000 रुपये नहीं देंगे तो वो आपसे 5 मिनट बात नहीं करेगा, उसकी 5 मिनट बात करने की फीस 5,000 रुपये है, किसी की 500 है, किसी की 1,000 है इत्यादि। तो यदि आपके पास वे रुपये नहीं हैं तो वह चिकित्सक आपसे बात नहीं करेगा। तो उद्देश्य बदल गया ना, स्वांताय सुखाय नहीं रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और रहा, वहाँ पर धन प्राप्ति उद्देश्य है। उसके साथ चिकित्सा हो रही है वो एक अलग बात है, पर मूल धन प्राप्ति का उद्देश्य है। ये तो एक उदाहरण के लिए था, ऐसे ही अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी चीज़ स्वांताय सुखाय के लिए है और कौन सी धन प्राप्ति के लिए? तो उसका सबसे बड़ा जो मापदंड है वो यही है कि उस कार्य को प्राप्त करने के पीछे या करने के पीछे क्या आपको कोई धन की प्राप्ति हो रही है, या आप किन्हीं अन्य लोभों के अधीन वो काम कर रहे हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। अब पहले भाटचारण होते थे राजाओं के समय में, वो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुतियां करते थे। स्तुति यहां भी तुलसीदास जी कर रहे हैं राम जी की, लेकिन तुलसीदास जी को अशर्फियां नहीं चाहिए, उनको महल चौबारे नहीं चाहिए। जो भाटचारण स्तुति कर रहे हैं राजा की, उस समय राजा की गाथाएं लिख रहे हैं उनके सम्मान में, उनको पता है कि राजा प्रसन्न होकर उनको धन देगा। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी आत्मविभोर होकर, भक्ति से लीन होकर, तथा उस समय के सामान्य जनमानस के लिए, वाल्मीकि भगवान राम वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वह संस्कृत में है, तो जन साधारण संस्कृत नहीं पढ़ पाता था। अब जन सामान्य की भाषा में राम के चरित्र को कहना है, तो अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए संस्कृत के जो उच्च कोटि के, उच्चतम कोटि के प्रकांड पंडित तुलसीदास जी, भाषा की शिखर से बिल्कुल नीचे तल पर आकर जन सामान्य की भाषा में सुमधुर शब्दावली के साथ, सुकोमल शब्दावली के साथ रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं स्वांताय सुखाय के लिए। क्योंकि जब इस रचना को पढ़कर जनमानस राममय होगा, राम के रस में डूबेगा, राम के रस का पान करेगा, तो बस उसको सुखी देखकर ही, जो सुख तुलसीदास जी को मिलेगा, या जैसे कोई बहुत भूखा प्यासा व्यक्ति हो और आप उस प्यासे को पानी पिला दें, तो क्या आप उससे पैसे लेते हैं पानी पिलाने के, कि मैंने आपको पानी पिलाया, आप इतने प्यासे थे, पैसे तो नहीं लेते ना। इसी तरह से कोई बहुत भूखा है, कोई गिर गया, आप दौड़कर उसे उठाते हैं, ये स्वांताय सुखाय है, आपने उसे अपने सुख के लिए उठाया, जो परोपकार किया वो अपने सुख के लिए किया। तो इसे स्वांताय सुखाय कहते हैं, कि दूसरे की सहायता करना बिना किसी अपेक्षा के कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने जनमानस के लिए, सबके भीतर राम के रस की गंगा बहे, उसके लिए इस रामचरितमानस की रचना के इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं। और ये इतनी सुमधुर रचना है राममय, तुलसीदास जी ने इसको भक्ति के उन शिखरों से जाकर लिखा है, कि यदि आप इसकी रस धारा में थोड़ी दूर भी बहेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि आप किसी अन्य ही लोक के अंदर विचर रहे हैं, वो इस धरती का लोक नहीं है, उसको
प्रभु का राज्य कहते हैं, ईश्वरीय लोक, जिसमें आप सदा भक्ति के रस में निमग्न रहेंगे। राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर भूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमय महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।